कंदे श्रवण कुमार के हरिशंकर परसाई की। एक सज्जन छोटे बेटे की शिकायत करते हैं, कहना नहीं मानता और कभी मुंह जोरी भी करता है, और बड़ा लड़का वो तो बड़ा अच्छा है, पढ़ लिख कर अब कहीं नौकरी करता है। सज्जन के मत में दोनों बेटों में बड़ा फर्क है और यह फर्क कई प्रसंगों में उन्हें दिख जाता है। एक शाम का प्रसंग है, वे नियमित संध्या वंदन करते हैं यानी शराब पीते हैं, कोई बुरा नहीं करते, बहुत लोग पीते हैं, गंगा जल खुले आम पीते हैं, शराब छिपकर गो शराब ज्यादा मजा देती है। आदमी बेमजा खुलकर बात करता है और बामजा को छिपाकर यानी सुख शर्म की बात मानी जाती है, लेकिन बात उन सज्जन की उठी थी। उन्हें सोडा की जरूरत पड़ती है। बड़ा लड़का कहते ही फौरन किताब के पन्नों में पेंसिल रखकर सोडा लेने दौड़ जाता था। लाता छोटा भी है पर फौरन नहीं उठता, पैराग्राफ पूरा करके उठता है। भारतीय पिता को यह अवज्ञा बर्दाश्त नहीं, वो सीमांतों पर संबंध रखता है, या तो बेटे को पीटेगा या उसके हाथ से पीटेगा, बीच की स्थिति उसे पसंद नहीं। छोटा बेटा भी हरकत करता है, पिता जल्दी मचाते हैं तो कह भी देता है जाता हूँ। उसके मन में सवाल और शंका भी उठती है, सोचता है यह पिता फीस रोक कर देता है, कपड़े बनवाना टालता जाता है, फिर यह नहीं सोचता कि इसे पढ़ाई के बीच से नहीं उठना चाहिए। बड़े लड़के के मन में कभी सवाल और शंका नहीं उठे, वह मेरी ही उम्र का होगा, उसने वही किताब पढ़ी होगी जो मैंने पढ़ी थी, हम सब गलत किताबों की पैदावार हैं। ये सवालों को मारने की किताबें थी। स्कूल प्रार्थना से शुरू होता था, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। क्यों शरण में आए हैं, किसके डर से आए हैं, कुछ नहीं मालूम। शरण में आने की ट्रेनिंग अक्षर ज्ञान से पहले हो जाती थी। हमने गलत किताबें पढ़ी हैं और आंखों को उनमें जड़ दिया। छोटा लड़का दूसरी किताबें पढ़ता है और आंखें उनमें घड़ाता नहीं है, आसपास भी देख लेता है, वह अपनी आंखों को फूटने से बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे सारे पिता स्वरूप लोग परेशान हैं, भौतिक पिता, गुरु, बड़े बूढ़े शासक और नेता। हमारी किताबों में पिता स्वरूप लोग सवाल और शंका से ऊपर होते थे, शिष्य पक्षपाती गुरु को अंगूठा काट कर दे देता था और दोनों धन्य कहलाते थे। अब शिष्य उपकुलपति से रिपोर्ट कर देता है कि अमुक अध्यापक शिष्यों के अंगूठे कटवाते हैं, यदि उपकुलपति ध्यान नहीं देते तो वह विद्यार्थियों का जुलूस लेकर विश्वविद्यालय पर धावा बोल देता है। हमें तो तीसरी कक्षा में ही उस भक्त की कथा पढ़ा दी गई थी जो अपने पुत्र को आरे से चीरता है। कुछ लोगों के लिए आदमी और कद्दू में कोई फर्क नहीं, दोनों ही चीरे जा सकते हैं। उस भक्त का नाम मोरध्वज था। ऐसी सारी कथाओं का अंत ऐसा होता है जिससे चीरने वालों को प्रोत्साहन मिले। भगवान प्रकट होते हैं और जिस पार्टी का जो नुकसान हुआ है पूरा कर देते हैं, मृत को जिला देते हैं, जायदाद चली गई है तो वापस दिला देते हैं, किसी को मुआवजे के रूप में स्वर्ग भेज देते हैं। कथा के इस अंत ने कितनी पीढ़ियों को आरे से चिरवा दिया होगा। इस कथा पर न मैंने शंका की थी न सज्जन के बड़े बेटे ने, मगर छोटा लड़का पूछेगा, पिताजी चीरने से पहले ये बताइए कि भगवान इससे खुश होते हैं, इसका सबूत क्या है, फिर इसकी क्या गारंटी है कि वे आ ही जाएंगे, उन्हें हजार काम लगे रहते हैं, फिर इसका क्या भरोसा कि वे कटे को जोड़ देते हैं। अगर सब हो भी तो भी आपके सत्य कल्पित विश्वास आपके अपने हैं, उनके लिए आप अपने को कटवाइए और अपनी हट निभाइए। पहले जन्मे लोग अपनी सही गलत मान्यता के लिए पीछे जन्मों को क्यों काटे, एक पीढ़ी के लिए दूसरी पीढ़ी क्यों चीरी जाए। लड़के मुंह जोरी करने लगे हैं, कमबख्तों की किताबें बदल गई हैं, कोर्स इतनी जल्दी क्यों बदलने लगे हैं,
बड़े लड़के से कह दिया था कि अपनी किताबें संभाल कर रखना, छोटे के काम आएंगे। पर किताबें बदल गईं, पुरानी किताबें किसी के काम नहीं आ रही हैं। एक ही किताब पीढ़ियों क्यों नहीं चलती? पिताओं को यह चिंता है। बड़ा लड़का फौरन किताब में पेंसिल रखकर सोडा लेने भाग जाता था। छोटा पैराग्राफ पूरा करके उठता है, भीष्म की कथा भी हमें तभी पढ़ा दी गई थी, हमने भीष्म को धन्य कहा था। छोटा लड़का शांतनु को धिक्कार कहेगा, धन्य और धिक्कार की जगहें बदल गई हैं, लोगों को पता नहीं है। छोटा लड़का भीष्म से कहेगा, क्या तुमने भी वही किताब पढ़ी थी जो हमारे बड़े भाई ने? तुम पिता से क्यों नहीं कह सके कि जीवन भर के भोग के बाद भी आपकी लिप्सा बनी हुई है? तो मैं क्या करूं? अपना संयम दे सकता हूं तो थोड़ा दे देता, जीवन कैसे दे दूं? राज्य से आप मुझे वंचित कर सकते हैं, पर मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा, छोटा टिप्पणी करेगा। भीष्म ऐसा नहीं कर सके, उन्हें पिता ने आदमी से तीर चलाने वाली मशीन बना दिया, ऑटोमेटिक धनुष। महाभारत का यह सबसे भला तेजस्वी आदरणीय ज्ञानी व्यक्ति सबसे दयनीय भी है, मगर देख रहा हूं कि श्रवण के कंधे दुखने लगे हैं, यह कांवड़ हिलाने लगा है, कांवड़ में अंधे परेशान है, विचित्र दृश्य है यह, दो अंधे एक आंख वाले पर लदे हैं और उसे चला रहे हैं। जीवन से कट जाने के कारण एक पीढ़ी दृष्टिहीन हो जाती है, तब वह आगामी पीढ़ी के ऊपर लद जाती है। अंधी होते ही उसे तीर्थ सूझने लगते हैं, वह कहती है, हमें तीर्थ ले चलो। इस क्रियाशील जन्म का भोग हो चुका है, हमें आगामी जन्म के भोग के लिए पुण्य का एडवांस देना है। आंख वाले की जवानी अंधों को ढोने में गुजर जाती है, वो अंधों के बताए रास्ते पर चलता है, उसका निर्णय और निर्वाचन का अधिकार चला जाता है, उसकी आंखें रास्ता नहीं खोजती। आंख वाले की जवानी अंधों को ढोने में गुजर जाती है, वो अंधों के बताए रास्ते पर चलता है, उसका निर्णय और निर्वाचन का अधिकार चला जाता है, उसकी आंखें रास्ता नहीं खोजती, सिर्फ राह के कांटे बचाने के काम आती है। कितनी कांवड़े हैं राजनीति में, साहित्य में, कला में, धर्म में, शिक्षा में, अंधे बैठे हैं और आंख वाले उन्हें ढो रहे हैं। अंधे में अजब कायापन आ जाता है, वो खरे और खोटे सिक्के को पहचान लेता है, पैसे सही गिन लेता है, उसमें टटोलने की क्षमता आ जाती है, वो पद टटोल लेता है, पुरस्कार टटोल लेता है, सम्मान के रास्ते टटोल लेता है, बैंक का चेक टटोल लेता है। आंख वाले जिन्हें नहीं देख पाते उन्हें वह टटोल लेता है। नए अंधों के तीर्थ भी नए हैं, वे काशी हरिद्वार पूरी नहीं जाते। इस कांवड़ वाले अंधे से पूछो कहां ले चलें, वह कहेगा तीर्थ। कौन सा तीर्थ? जवाब देगा कैबिनेट, मंत्रिमंडल। उस कांवड़ वाले से पूछो तो वह भी तीर्थ जाने को प्रस्तुत है। कौन सा तीर्थ चलेंगे आप? जवाब मिलेगा अकादमी विश्वविद्यालय। मगर कांवड़े हिलने लगी है, ढोने वालों के मन में शंका पैदा होने लगी है, वे झटका देते हैं तो कंधे चिल्लाते हैं, अरे पापी ये क्या करते हो, क्या हमें गिरा दोगे? और ढोने वाला कहता है, अपनी शक्ति और जीवन हम अंधों के ढोने में नहीं गुजारेंगे, तुम एक जगह बैठो, माला जपो, आदर लो, रक्षण लो, हमें अपनी इच्छा से चलने दो, अनुभव दे दो, दृष्टि मत दो, वो हम कमा लेंगे। राजनीति, साहित्य आदि तो बड़े प्रकट क्षेत्र हैं, अप्रकट रूप से भी विभिन्न क्षेत्रों में श्रवण कुमार कांवड़ उतारने के लिए हिला रहे हैं। वे किन्हीं विश्वासों की आरी से चीरने को तैयार नहीं है। मैं कॉफी हाउस के कोने में बैठे उस युवक की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने गुस्से में दाढ़ी बढ़ा ली है, जैसे उसकी दाढ़ी एक खास साइज और आकार की होते ही क्रांति हो जाएगी। बड़ी दाढ़ी, ड्रेन पाइप और 100 वाट वालों से यह नहीं हो रहा है, चुस्त कपड़े, हेयर स्टाइल और वो वंडरफुल वालों से भी यह नहीं हो रहा है। ये तो न विश्वास में सच्चे न शंका में, ये बिना प्रदर्शन और शोर शराबे के घरों और परिवारों में हो रहा है। सुशील, विनम्र और आज्ञाकारी युवक युवती कांवड़े उतारने लगे हैं।
किसी के विश्वास के ओर से कटने से इनकार करने लगे हैं। एक परिचित है जिसका ज्योतिष में विश्वास है। उनकी शिक्षिता जवान लड़की है जिससे वह शादी करना चाहती थी, उससे ग्रह नहीं मिले। एक दो और योग्य वरों से मिलान किया पर ग्रह यहाँ भी नहीं मिले। उसके ग्रहों ने किसी नालायक से मिलने के लिए स्थिति संभाली होगी। लड़की एक दो साल घूटती रही। एक दिन उसने नम्रता से परिवार से कह दिया, आप लोगों का इस ज्योतिष में विश्वास है पर मेरा नहीं है। जो मेरा विश्वास ही नहीं है उस पर मेरा बलिदान नहीं होना चाहिए। परिवार कुछ देर तो चमत्कृत रहा, फिर उसकी इच्छा से शादी कर दी। देख रहा हूँ कि मोर ध्वज का आरा छीन कर फेंका जा रहा है। श्रवण कुमार के कंधे दुखने लगे है, वह कांवड़ को उतार कर रखने लगा है। वे सज्जन परेशान हैं। छोटा लड़का पैराग्राफ पूरा करके उड़ता है, बड़ा तो फौरन पेंसिल रखकर दौड़ जाता है।